जैसे भाई जी कहता सत्संग आके रोज सुनो तो क्रोध चला जाएगा। कल कहा था आपको कि मैं एक बताऊंगा सत्संग किसको कहते हैं। आप मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, आशाराम बाबू के जाओ, किधर भी सत्संग सुनने जाओ, उसको सत्संग कहेंगे नहीं? सत्संग किसको कहेंगे? सत्यनारायण की कथा चलती है, वो भी सत्संग है ना? सत्यनारायण के है तो सत्संग किसको कहेंगे? देखो ना, देखो दूध कहीं भी ले लो तो दूध है, लेकिन साइंस ने एक थर्मामीटर बनाया, इसमें दूध कितना पानी कितना है, पतला दूध, गाय का दूध पतला होता है कहते हैं। तो आप देखो थर्मामीटर डालो तो पता जैसे इतना दूध है इतना पानी है, कहीं भी ले लो तो ये मापदंड है। यहां भी सत्संग उसको कहते हैं जहां कम से कम तीन प्रकार की सत्यता अगर आपको कहीं भी मिलती है। ब्रह्मा कुमारी में ऐसा नहीं, यहां ही भगवान आता है ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरा माल ही अच्छा बाकी सब खराब है ऐसा नहीं कह सकते, कहीं भी ले लो, लेकिन उसके अंदर ये गुण धर्म चाहिए। किसी भी सत्संग में दुनिया में कहीं भी जाओ तीन चीजें होनी चाहिए। एक कि अंदर कोई सत्संग में जाते ही कहते हैं आत्मा समझ के बैठो, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य, आज नहीं कल नहीं है, आज भी नहीं कल भी नहीं, आज थोड़ा समय के लिए सत्य आत्मा, आत्मा की सत गति होनी चाहिए शरीर की नहीं। किसी भी आश्रम किसी भी मंदिर कहीं भी जाते हो प्रवचन सुनने के लिए पहले देखो वहां कहते हैं आत्मा समझ के बैठो। जैसे भाई जी ने आते ही कहा 5 मिनट योग करेंगे फिर सेवा शुरू करेंगे। अगर कहीं भी जाते हो आत्मा समझ के बैठो कहते हो तो उसका नाम पहला सत्संग। मंजूर? आत्मा की सदगति करना, शरीर के तो नहीं, काले को गोरा नहीं करना है, आत्मा के पाप मिटाना है, सदगति। दूसरा, वहां बैठकर किसको याद करते हो? एक सत चित आनंद स्वरूप है, एक ओंकार, एक निराकार। राज बाबा ने कहा एक कर्ता पुरुष, सत्यम कृष्णम सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। किसी ने नहीं कहा मैं पाप मिटाता हूं, एक शिव ने कहा मैं पाप कटेश्वर, आई एम द प्यूरिफायर। एक निराकार को अगर कहीं भी बैठ के याद करते हो उसका नाम सत्संग है, कहीं भी जाओ। मंजूर? सत्संग किसको कहते हैं, ऐसे नहीं किधर भी जाओ। तीसरा, वहां बैठते किसकी वाणी सुन रहे हो? आज बाबा ने मुरली में कहा कोई गुरु बैठा है, कोई रामायण सुनाता है, कोई गीता सुनाता है, कोई कुरान सुनाता है, और कुछ सुनाता है। तो यहां निराकार शिव बाबा करके ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाता है, यहां से कोई मनुष्य नहीं, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके। ब्रह्मा बाबा भी कहता है मुझे पता नहीं, शिव बाबा की वाणी के ब्रह्मा की वाणी कहते हो। अगर कहीं भी निराकार भगवान को ज्ञान उसकी वाणी सुनते हो, ये तीन प्रकार की सत्यता अगर आपको कहीं भी मिलती है कहीं भी जा सकते हो, उसका नाम सत्संग से सदगति, अर्थात आपसे कोई भी पाप नहीं होगा और जो किया हुआ पाप है वो मिटेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं कहीं भी सत्संग, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ तो एक सत्संग है। हर एक कहता है बिजनेस वाला मेरा माल ही अच्छा है, ये माल खराब है वो नहीं ले लो, मैं अच्छा हूं नहीं, कोई मापदंड होना चाहिए ना, हर चीज का मापदंड है। किससे कहते हैं यही ज्ञान सही है ये ज्ञान गलत है? तो कहते कहीं भी ये तीन चीज मिलनी चाहिए। अगर किसी भी जगह जाओ तीन चीजें हैं तो वो उसका नाम हम सत्संग में गए थे, उसके द्वारा धीरे धीरे मेरे अंदर जो बुराई है आचरण व्यवहार बोल कर परिवर्तन होता जाएगा। मंजूर? ठीक है कि गलत है? स्वीकार? स्वीकार है कि नहीं? भाई जी किधर भी जाओ सुनो तो चलेगा, कल्याण होगा।